नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक परिवार ने अपने घर पर मजबूरी में मकान बिका हुआ और गाँव से पलायन करने का बोर्ड लगा दिया। पलायन का बोर्ड लगते ही जहाँ आसपास के दर्जनों गाँव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, वहीं पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें कि थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम मंडोरा जट में गुजरों के एक ही परिवार के 3 से 4 घर हैं, जिनकी ओर से इकराम सिंह ने बताया कि उनके घर के सामने रहने वाला पवन पुत्र राजपाल ने अपने घर के आगे से नाली में पानी ना चलाकर अपने घर का गंदा पानी उनके घर की ओर को निकाला हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि पवन ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे कुछ इस तरह से लगवाए हुए हैं कि यह कैमरे उसके घर की कम और इकराम सिंह के परिवार वालों के घरों की रिकॉर्डिंग ज्यादा करते हैं। उनका आरोप है कि ये लोग इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल अपने वर्चस्व दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर करते हैं, जिससे उनके घर की महिलाओं की भी तरह तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं। गुजरों का कहना है कि उनके 2 परिवार वालों के मर्डर के बाद से यह मामला बीते 3 सालों से चला आ रहा है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में एकल होने के कारण उनके 2 परिवार पूर्व में ही आए दिन के लड़ाई झगड़ों के कारण गांव से ग्राम झाल व मुराठ में पलायन कर चुके हैं, जिसके बाद अब गांव में बचा के ला गुजर परिवार पलायन करने को मजबूर है। घटनास्थल पर पहुंचे बीडीओ व अन्य ब्लॉक अधिकारियों ने जहां यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला उनसे संबंधित नहीं है, वहीं पुलिस भी कोर्ट में विचाराधीन मामले की बात कहकर बेनतीजा ही लौट गई। हालांकि विवाद अभी दस का दस बना हुआ है। मेरा नाम इकराम सिंह है, मंडोरा जट गांव है मेरा ये, ठीक है। और इसमें हम लोग अल्पसंख्यक गुजर लोग एक ही परिवार है, ठीक है। ये जो विशेष रूप से लगाया गया कि समाज पलायन करने के लिए मजबूर है परिवार, ये क्या मामला है? ये मामला ये कि हमारा दो 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 आदमी मार दिए इन्होंने पहले, ठीक। तो और हम मरना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरा ये कि हमारे 3 परिवार यहाँ से जा चुके, इनकी प्रताड़ना से चुके, बाहुल्य इनका। ये गांव पूरा मंडोरा जट इसीलिए कहलाता है, जाटों का गांव। और हमारा छोड़िए, इन्होंने पाल लोग भी कई उजाड़ दिए। तो अब हमें लग रहा कि ऐसा ना हो कि हम लोग और कोई मारा मारी हो, हम इनको मारें या ये हमको मारे। तो उससे बेहतर ये है कि हम जा करके अपना यहाँ से पलायन कर जाएं, क्योंकि शासन प्रशासन कुछ करता नहीं। किस चीज़ को लेकर विवाद है आपका? विवाद ये है, पानी है ये, यहाँ निकल रहा पानी, ये लेटरिन का पानी, ये सार्वजनिक स्थान नहीं है, ये सार्वजनिक रास्ता नहीं है, ये हमारा निजी रास्ता। और निजी रास्ता होने के बाद पानी मेरे घर में निकाल रहे हैं। अच्छा, जबकि आप देखा होगा पीछे जाएंगे, मेन रास्ते पर घर है इसका, मेन घर पर रास्ता पानी निकलना चाहिए। कौन व्यक्ति हैं ये? जाट लोग हैं, पवन सन ऑफ राजपाल। अच्छा, पुलिस से आपने शिकायत की? पुलिस से बहुत बार शिकायत हो चुकी, पुलिस यहाँ आ चुकी। पुलिस तो उल्टा ये कहती है गाँव वाँव छोड़ो, अपने घर जाओ, कहाँ चक्कर में अपना कोई दूर। ये जाटों का बाहुल क्षेत्र है। तो थाने के अलावा आपने आला अधिकारियों से किसी? आला अधिकारी अब जब एक वो क्या नाम बोलते हैं, वो होता थाना दिवस होता, एक तहसील दिवस होता, उसमें सभी लोग आते हैं। तो तहसील दिवस पर प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। तो कौन ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बचा जिसके सामने हमारी बात ना गई हो? तो जब हमारी बात वहाँ पहुँच गई तो हम किससे जाकर कहें? हमारे पास पुलिस से आज थी, पुलिस हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, आपकी कोई मदद नहीं है पुलिस से? नहीं नहीं, कोई मदद नहीं। पुलिस तो अपने हाथ खड़े कर रही, कह रही साहब हम नहीं हटा सकते, वो फिर लगाएगा। मतलब एक इतना बड़ा आदमी, वो इतना गुंडा है कि वो फिर लगा देगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।